अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कुल्लू इकाई द्वारा कुल्लू महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद की जयंती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में लेखपाल, विशेष अतिथि राजपाल गुलेरिया, कार्यक्रम अध्यक्ष रूपेंद्र ने शिरकत की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कुल्लू इकाई द्वारा कुल्लू महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद की जयंती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्वामी विवेकानंद जी की छाया चित्र पर पुष्पांजलि व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान युवा दिवस के उपलक्ष्य में स्वामी विवेकानंद कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं मुख्य अतिथि ने बताया कि विवेकानंद जी का विद्यार्थियों पर गहरा प्रभाव रहता है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद द्वारा सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जितना युवा खेलों की तरफ ध्यान देंगे उतना ही वे नशे से दूर रहेंगे। जिस प्रांगण में आज आप बैठे इसी प्रांगण से निकला हुआ छात्र हूं। आज आप जिस प्रांगण में बैठे हैं आज तो आपके पास इतनी फैसिलिटीज है, जब हम थे तो शायद हमारे सामने से दो और तीन बिल्डिंग हुआ करती थी। तो और इसी प्रांगण में पढ़कर हमने अपने जीवन की शुरुआत की। और उस वक्त एक युवा होते थे, युवा होने के नाते या फिर आज मैं कहूंगा, आज हम दूसरे दौर पे हैं, तो आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप भी, अब आपके पास फैसिलिटीज भी बहुत है। जो हमारे समय में क्या होता था कि आप बहुत कम फैसिलिटी होती थी, कॉलेज नए नए थे, लेकिन आज अब तो कॉलेज भी बहुत पुराना हो चुका है और व्यवस्था के हिसाब से भी सब कुछ है आपके पास। मैं चाहूंगा कि इसका भरपूर फायदा लें, इसका भरपूर आनंद लें और अपने पढ़ाई में आगे बढ़े। युवा साथियों, युवा जैसे कि विवेकानंद जी ने कहा है, ज्यादा मैं बताऊंगा नहीं आपको, क्योंकि हम जो है सूचनाओं के सागर में जी रहे हैं। तो जो सूचना मुझे देनी है, जो इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी है, वो आप पहले से ही गूगल कई ऐसे हमारे पास है, कई चीजें ऐसी है जहां से आपको आपके पास पहुंच जाती है। तो मैं ज्यादा इस पे तो नहीं कहूंगा, बस यही कहूंगा कि आप नशे से दूर रहें। अभी अभी मैं जब आ रहा था तो एक नशे के ऊपर एक वर्कशॉप हो रही थी और अभी भी चली है, तो उसमें यही कह रहे थे कि हिमाचल अभी भी नशे से, जैसे अभी भारत की बात करें तो नशे से अभी हमारे से बहुत नीचे है। तो हमने अब नीचे नहीं, इसको बिल्कुल जीरो पे लाना है। वो सभी आप लोगों के सहयोग और हम एक समाज में अपनी भागीदारी निभाए तो उससे संभव हो सकता है। तो मैं चाहूंगा कि आप नशे से दूर रहें, खेलों में ध्यान दें, अपने पढ़ाई में ध्यान दें। और ज्यादा नहीं कहता हुआ आप सभी का सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।